सिंधु जल समझौते पर बुधवार से भारत और पाकिस्तान के बीच दो दिवसीय बातचीत शुरू होगी। इसके लिए भारतीय जल आयोग के 9 प्रतिनिधि मंगलवार को पाकिस्तान पहुंचे। भारतीय दल की अगुवाई जल आयुक्त पीके सक्सेना कर रहे हैं। पाकिस्तान जल आयुक्त सैयद मेहर अली शाह और अतिरिक्त जल आयुक्त शेराज जमील ने भारतीय दल का स्वागत किया। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार आने के बाद किसी भी मसले पर दोनों देशों में पहली बार द्विपक्षीय बातचीत होने जा रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जल आयोग की बैठक काफी लंबे वक्त से नहीं हुई थी। यह पानी की समस्या से जुड़ा मुद्दा है। यह केवल भारत पाकिस्तान के बीच का नहीं बल्कि क्षेत्र का मामला है। हम एक सूखे इलाके में रहते हैं। हम पर पानी की कमी का असर पड़ सकता है। स्टॉकहोम में उच्च स्तरीय पैनल को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना मोहम्मद ने कहा कि कुछ विवादों के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता अब भी कायम है। इस समझौते ने नदी जल विवाद को सुलझाने का रास्ता दिखाया है। साझा विकास पारस्परिक समर्थन के लिए जल एक माध्यम बन सकता है। पिछले साल सितंबर में सिंधु जल संधि पर भारत पाकिस्तान के बीच ताजा बातचीत बनती जा रही। दोनों ही देशों के बीच इसे लेकर कोई समझौता नहीं हो सका। बातचीत वर्ल्ड बैंक हेड क्वार्टर में ही हुई थी, जिसकी अगुवाई भी विश्व बैंक ने की थी। सिंधु नदी बेसिन के पाकलदुल 1000 MW, रातले 850 MW, कृष्णा गंगा 330 MW, मियार 120 MW और लोअर कालनाई 48 MW परियोजनाओं पर पाक को ऐतराज है। पाक का कहना है कि ये प्रोजेक्ट समझौते का उल्लंघन है। भारत पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे के मसले पर 9 साल तक चली बातचीत के बाद वर्ल्ड बैंक की मदद से सिंधु जल समझौता हुआ था। इस पर 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में दस्तखत किए थे। इसमें 6 नदियों ब्यास, रावी, सतलुज, सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी के बंटवारे और इस्तेमाल करने का हक शामिल है। इस समझौते में वर्ल्ड बैंक मध्यस्थ था। समझौते पर इसलिए दस्तखत किए गए क्योंकि सिंधु बेसिन की कई नदियों का उद्गम भारत में है। सिंधु और सतलुज हालांकि चीन से निकलती हैं। समझौते के तहत भारत को सिंचाई, परिवहन और बिजली पैदा करने के लिए इन नदियों का इस्तेमाल करने की इजाजत है। वहीं पाकिस्तान को डर था कि भारत के साथ अगर जंग होती है तो वह पाकिस्तान में सूखे का खतरा पैदा कर सकता है।